एक बूंद गम से ये फिल्मी मास्टर की चमड़ी उखड़ते उखड़ते रह गई। अरे मेरे तो दोनों के दोनों पैर चिपके, क्या होगा मेरा? अभी मिट्टी डालेंगे ना तो आपके पैर दरवाजे से उखड़ जाएंगे। रोशन भाभी जल्दी जल्दी भरिए ना। हाँ, इतनी मिट्टी काफी हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी, और कंपनी के और ले जाएंगे ना। हाँ, पहले इतनी ले जाते। चलो, हाँ, चलो, 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 चलो। और दादाजी चिपक गए। Oh my God, चाचा जी। अब्दुल भाई क्या हुआ, बाबू चिपकंगा से बात हुई कि नहीं? नहीं, अभी भी फोन बिजी आ रहा है। ए, कुछ गिला हाँ। अरे बिल्ली मास्टर, ये कैसा सुधार लेकर आया है तू? मुझे यार चिपका के खुद फोन में चिपका हुआ है। इसमें भी मेरी गलती है। और नहीं तो क्या है? चपड़ी निकलते निकलते रह गई थी। बारह 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 वो पैरों से वहाँ पे करो। संभाल के संभाल। रोशन जी ऐसे पैर के बीच में मिट्टी डालते जी, कोशिश करिए। चाचा जी ऐसे नहीं, ट्विस्ट कीजिए पैरों को, ट्विस्ट कीजिए, ट्विस्ट घुमा के देखिए ना, ऐसे ऐसे। अरे मेरा पैर हिल ही नहीं पा रहे बेटा, तो मैं ट्विस्ट कैसे करूं? दादाजी कोशिश कीजिए। उनको संभालने को बोल रहा, तुम गिर जाते अभी। अरे भाई चाचा जी गिर रहे थे तो हेल्प कर रहा था भाई उनके, तो उस चक्कर में तुम नीचे गिर जाते अभी, फिर तुम्हारे हाथ ऐसे। अरे कुछ हो ही नहीं पा रहा है, पैर इतना सा भी नहीं हिल रहा है। हे भगवान, ये आइडिया भी फ्लॉप हो गया। मुझे लगा था कि मिट्टी डालने से गम की चिपचिपाहट कम हो जाएगी। नहीं अंजलि भाभी, आपका आइडिया तो अच्छा था, लेकिन मिट्टी को ना पैर और दरवाजे के बीच में जाने की जगह ही नहीं है। अरे किससे बात कर रहा है इतना? ओहो, ये बाबू चिपके का फोन अभी भी बिजी आ रहा है। क्या जरूरत थी क्रिकेट खेलने की? चाचा जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अंजलि भाभी प्लीज आते आते झाड़ू भी लेकर आइए ना, ये पैरों के यहाँ जो मिट्टी है ना वो भी साफ कर देती हूँ। अंजलि भाभी आपको धूप लग रही होगी। मुझे धूप चलेगी लेकिन तू नहीं चलेगा। अरे नहीं चाहिए उनको, बंद करना भाई। अरे मदद कर रहा था, नहीं चाहिए उनको मदद। तूने और गम ना गिरा होता तो शायद मेरे पैर उखड़ जाते। अरे अरे भाई गलती से हो गया। अरे लेकिन पोपट अंकल कोई गलती से भी इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है? भाई तक है? अरे बेटा गलती गलती होती है, इसीलिए तो गलती कहते हैं। कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होगा इन लोगों का, बस खड़े रहते ही बातें करना शुरू कर देता है। अरे कोई मेरे जेठिया को बुलाओ। अरे फोन करता हूँ।
संपर्क करना चाहते हैं वो अभी कवरेज एरिया से बाहर है। क्यों हो गया? बगा सब तैयार? हाँ हाँ सेठ जी, आपने जैसे कहा था वैसे सब कुछ तैयार है। ये देखिए, ये दो स्पेशल कुर्सियां मैंने मंगवा ली है, ये बुके आ गया है, इस थर्मोस में एकदम मस्त गर्मा गर्म मसालेदार चाय है, और इस थर्मोस में एकदम स्पेशल कॉफी। केसर फालूदा मैंने फ्रिज में रखवा दिया है। नट्टू काका दुकान के बाहर स्वागत की तैयारी के लिए खड़े हैं, और मैंने अपनी तरफ से गोडाउन में थोड़ा सा एयर फ्रेशनर भी छिड़क दिया है। तभी मैं सोचूं इतनी अच्छी खुशबू कहां से आ रही है। शाबाश 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 बगा शाबाश। थैंक यू सेठ जी। वैसे सेठ जी, आ कौन रहा है? किसके लिए इतनी सारी तैयारियां की है? किसी को बताना मत। मैं किसे बताऊंगा सेठ जी? अरे भाई, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। मार्केट में हरीफाई इतनी है कि सब व्यापारी लोग एक दूसरे के नाक के नीचे से एक दूसरे की पार्टी को छीन के लेके जाते हैं। लेकिन सेठ जी, मैं कहाँ व्यापारी हूँ, मैं तो आपके यहाँ काम करता हूँ। अरे भाई, खाली बोल रहा हूँ क्या है, तू ठहरा बागा। गलती से भी तेरे मुँह से कुछ निकल गया ना तो हमको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तब सेठ जी, बड़ी पार्टी आ रही है? बड़ी? अरे बहुत बड़ी पार्टी आ रही है। अरे वाह, ये मिस्टर सेट्टी, भारत में इनकी बहुत सारी होटल है। अच्छा, तो अभी क्या बारी बारी सब होटल का वो रिनोवेशन काम करा रहे, और सब होटल के लिए टीवी वो हमसे खरीदना चाहते हैं। अच्छा, इस बार उनको कम से कम 300 टीवी चाहिए। अरे वाह वाह सेठ जी, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। तो अच्छा देख भाई, मैंने नट्टू काका को तो बोल दिया, अभी तुझे भी बोल रहा हूँ। ये सेट्टी भाई आए ना तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूंगा। तो मेहरबानी करके तुम दोनों बीच बीच में अपना ढापण का वघार मत करना, ठीक है? नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल नहीं। आइए मिस्टर सेट्टी, वेलकम। सेठ जी, बुके बुके। आइए आइए सेट्टी भाई, बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। अरे इसकी क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत, क्यों नहीं, इसकी तो खास जरूरत है। अरे इतना बड़े आप आदमी हमारी दुकान में आए तो आपका स्वागत तो ठीक से होना चाहिए ना। आइए आइए बैठे भाई। आइए आइए मैडम, आप भी आइए बैठे। आइए सर। हाँ रख दीजिए, वादा नहीं, जाते वक्त लेके जाना। सबसे पहले ये बताइए शेट्टी भाई, क्या पियेंगे आप, चाय कॉफी के केसर फालूदा? सब रेडी है? नो नो थैंक्स, हम काम की बात कर ले। हाँ जरूर जरूर, देखिए आपकी जरूरत के मुताबिक मैंने बेस्ट कंपनी के कुछ बेस्ट टीवी छांट के रखे। क्या आपका भी बिजी आदमी है तो टाइम आपका खोटी नहीं होना चाहिए ना। ये देखिए, ये कैटलॉग साइड में रखते हैं। अच्छा ये तो चाहिए ही नहीं, ठीक है इसको हटा देते हैं। अभी ये देखिए, सॉरी क्यों हो गया? एक मिनट। देखिए सिटी भाई, क्या आप इसमें का पीस ये पसंद करते हैं तो इसकी डिलीवरी के लिए थोड़ा मुझे टाइम देना पड़ेगा, लेकिन इसमें का कोई भी पीस अगर आप पसंद करते हैं तो ये मेरे पास स्टॉक में रेडी है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि ये क्या है मार्केट। हेलो हेलो नंदू काका, जल्दी से पापा को फोन दीजिए ना। जी छोटे सेठ जी। और ये इसमें भी ये जो है, सेठ जी छोटे सेठ जी का फोन है, आपसे बात करना चाहते हैं। उसको बोलो मैं अभी जरा बिजी हूँ, बाद में फोन करता हूँ। और ये सारी जो है ना छोटे सेठ जी, हाँ सेठ जी भी बिजी है, आपको बाद में फोन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाद में नहीं, मुझे अभी उनसे बात करनी है, अर्जेंट है, प्लीज 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 उन्हें फोन दीजिए ना। ठीक है। वारंटी भी बहुत अच्छी है, दोनों की वारंटी तो अच्छी जी। हाँ बहुत अर्जेंट है, आपसे ही बात करना चाहते हैं। बेटे का फोन है। हाँ तो बात कर लो। सॉरी आप, हाँ बोल टप्पू। पापा आप अब भी सोसाइटी आ जाइए। क्या किया तूने? नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया, दादाजी के पैर चिपक गए हैं। क्या? हाँ वो सोसाइटी के दरवाजे का काम चल रहा था ना, और उसमें काम लगा हुआ था और हमें पता नहीं था, और फिर हम लोग खेल रहे थे। अरे वाह दादाजी, बॉल आज मैं भी तुम लोग के साथ क्रिकेट खेलूंगा। कैच 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 दादाजी, पकड़ो।
पापा आप अभी के अभी सोसाइटी आ जाइए। नहीं मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ ठीक है पापा, पापा आ रहे हैं। हाँ घड़ा आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ सॉरी मुझे अर्जेंट जरा जाना पड़ेगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, नटू काका है ना वो आपको सब समझा देंगे, नटू काका सब समझा देंगे। सॉरी सेठ जी बहुत बड़ा ऑर्डर है आपका, यहाँ रहना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ नटू काका, लेकिन सोसाइटी में बापूजी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो मेरा वहाँ जाना इससे भी ज्यादा जरूरी है, आप प्लीज संभाल लेना। और आप कहीं अटके तो फोन तो है ना, आप मुझे फोन कर लेना। जी सेठी भाई सॉरी मुझे जरा जाना पड़ रहा है, आप बुरा मत लगाना, लेकिन नटू काका है वो आपको सब समझा देंगे, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं पड़ने देंगे। बाकी जरा ध्यान रखना, चाय कॉफी पूछना जरा। हाँ ठीक है मैं आता हूँ नटू काका। और थोड़ा पानी पहुंचा सकते? नहीं बस, माफ करना मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। नहीं रे नहीं चाचा जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? फिकर मत कीजिए, खुदाई जी बड्डू सारू कर से। मैं मिट्टी साफ कर देती हूँ झाड़ू से। ए थापा का मरी थापा, क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि अगर वो मिट्टी साफ करने के चक्कर में झाड़ू भी दरवाजे से चिपक गया तो। चाचा जी को और तकलीफ हो जाएगी ना, बार बार वो चुभेगा उनको पैर में। नहीं नहीं ये कैंसिल आइडिया, हे भगवान तो अब क्या करें? फिर से पानी मारे। पानी कहाँ मारेगा? चाचा जी पैर पे ही। पैर पे ही मारना। जा जा जी, पैर हिल रहा है? अरे नहीं हिल रहा है, वही कोशिश कर रहा हूँ। पूरी मिट्टी निकल रही है लेकिन मेरा पैर क्यों नहीं निकल रहा है? पानी मारने के चक्कर में सोसाइटी गंदी हो रही है। हद है भिड़े, ऐसे टाइम पे तुझे सोसाइटी के गंदे होने की पड़ी। क्या बोला क्या बोला वो? ये बोल रहा है कि वो पानी मारने से सोसाइटी गंदी हो रही है। सॉरी। अब जल्दी से जेठिया आए और मुझे इसमें से छुड़ाए। जेठिया ए आला आला बाबू चिपके आला। अभी भी फोन पे चिपका हुआ है बाबू, चिपके सारी दुनिया हिला दूंगा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अक्कल वक्कल है कि नहीं? अरे 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 ये बाबू चिपके उसकी उसको क्या मार रहे हो? किधर हो किधर? गांव में मेरी गाय को बछड़ा हुआ है ना, तो मिठाई लाने गया था। क्या आवाज है उसकी। तो आप कब से गाय से बात कर रहे थे? अरे गाय से नहीं अपनी माई से बात कर रहा था। ये लो बछड़े की खुशी में मिठाई खाओ। चिक्कू मिठाई को छोड़, तूने पिटाई वाला काम किया तूने? वो देख उधर, इधर आ, इधर देख, इधर देखिए आप, देखिए ये देखो, ये देखो ये पानी का। अरे ए दादा दादा, अरे वो चाचा आप दरवाजे के ऊपर क्यों खड़े हो? अरे इस पे गम लगा है, चिपक जाओगे। चिपक जाओगे वाली, चिपक गया हूँ। हाँ ए बाबू चिपके, तुझे मना किया था ना मैंने कि गम वाला दरवाजा ऐसा छोड़ के मत जाना, कहाँ चला गया था तू? वो मैं चाय पीने गया था। अरे ए, तेरे चाय के चक्कर में देखो चाचा जी, चाचाई जी, चंपकलाल जी का देखो क्या हाल हो गया है, तेरा पुत्र साला है। तुझे मना किया था ना अब्दुल ने जाने के लिए, क्यों गया तू, क्यों गया? अभी इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आइडिया है बताओ, ये कैसे बाहर निकलेंगे बताओ? रुको रुको रुको, शायद वो कुछ आइडिया सोच रहा है। अरे बाप रे, ये तो लोचा हो गया, लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा बाबू। क्या कर सकते कि जैसे चाचा जी ऐसे बोलो उसको पैर लेंगे, पैर ऐसे हाँ
भाग रहे हैं। अरे रोको, अरे रोको, अरे रोको, चल 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 चल। अरे ये बाबू चिपके, तुम भागने के बारे में सोच रहे थे? मुझे लगा तुम आइडिया सोच रहे थे। शर्म नहीं आती? खबरदार भागने की कोशिश की तो। अरे मेरे पैर कैसे उखड़ेंगे वो बता। अरे चाचा वो नहीं मालूम इसलिए तो भाग रहा था। क्या? आ? मुझे सिर्फ गम लगाना आता है, निकालना नहीं। अरे तो वो सीखने के बाद चूथार बनने का ना। अरे तुझे इतना ज्यादा गम लगाने की क्या जरूरत थी? वो मुझे भेड़े भाई ने बोला था कि काम मजबूत होना चाहिए, इसलिए मैंने दबा के गम लगा दिया। बोलो। पूरी बात तो कसूर सोसाइटी के सेक्रेटरी का ही है। झाल कुछ हुआ तो कसूर सोसाइटी के सेक्रेटरी का। पोपटलाल मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलो। अरे इतना बोल रहा और बोल के बोल रहा कि मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। क्या मतलब? क्या ऐसे थोड़ी होगा। बोल बोल करना बंद करो। अरे अभी जिसकी शादी है उसकी शहनाई बजाओ ना। किसकी शादी है? अच्छा आप उदाहरण दे रहे थे। सॉरी चाचा जी, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शादी का उदाहरण मत दीजिए। क्या है ना, मेरी दुखती रग है ना, तो दुख होता है। अरे यार दुखती नस फड़ी। अरे मैं यहाँ चिपका रहा तो मेरे दिमाग की नस फट जाएगी। कोई मेरे जेठिया को जल्दी बुलाओ। टपू जेठिया को फोन करो और पूछ अरे अभी तक आया क्यों नहीं वो। लगा लगा भाई, लगा फोन, लगा फोन, लगा। हाँ दादाजी मैं अभी फोन करता हूँ। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। हाँ बोल, बोल टपू। हाँ पापा, अब कहाँ पहुँचे? बेटा मैं दुकान से तो निकल गया हूँ, लेकिन रिक्शा नहीं मिल रही है। बापूजी ठीक है? वैसे तो ठीक है, पर पैर चिपक गए ना, इसलिए सब पर गुस्सा हो रहा है। नहीं नहीं उनको शांत करा, उनको बोल बस मैं आ रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चिंता ना करे। हाँ ठीक है पापा। दादाजी पापा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। तो मैं घर जाऊँ? इसको गम से चिपका दे। चिपको चिपको। नहीं नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। चुपचाप खड़ा रह इधर। रिक्शा, रिक्शा। गोरेगांव ईस्ट? नहीं। क्यों? वहाँ क्या रास्ते में खाटे बीच है? नहीं साहब, पर लंबा भाड़ा चाहिए। लंबा मतलब क्या, दुबई जाएगा? जाऊंगा साहब, आप लेके जाएंगे तो दुबई जरूर जाऊंगा। आता हूँ पासपोर्ट बनवा के। अभी जो भी रिक्शा आएगी सीधा पहले बैठे जाऊंगा, बाद में उसको बताऊंगा कहाँ जाना है। रिक्शा, रिक्शा। अभी तो मीटर भी डाउन हो गया है, मना नहीं कर सकते हो, लेके जाना पड़ेगा। अरे साहब, साहब बात कुछ नहीं भाई, चलो चलो वरना तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, लंबा भाड़ा चाहिए, तुम छोटे भाड़े वाले कहाँ जाए? और जब देखो तो रिक्शा में गैस खत्म हो गया है, कोई ना कोई बहाना रेडी रहता है तुम लोगों का। चलो अभी देख के रहो, चलो। अरे साहब, बाकी रिक्शा वाले का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? मैंने आपको ले जाने के लिए रिक्शा रोकी। तो फिर रुका क्यों? चलो। तब जाना कहाँ है वो बताएंगे तो चलूंगा ना। सॉरी, गोरेगांव इस पाउडर गली। अरे रामा, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? छोटे क्या हो गया? अरे बोला ना क्रिकेट की वजह से। अब उतनी गलती नहीं हो, हमारी सोसाइटी में हाथी भाई रहते हैं और वो डॉक्टर है, वो कुछ तो इलाज देंगे हमें। अरे उकड़ 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 उकड़, वो चिपक गया। आप यही सोच रहे हो ना कि मेरा पैर चिपक गया? नहीं भाई, मेरा पैर नहीं चिपका है, पैर तो चिपका है चाचा जी का, और मैं ये महसूस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा इतनी देर से खड़े, और कितनी देर खड़ा रहना पड़ेगा, छोटी सी चीज कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। जेठालाल दुकान से निकल चुका है, डॉक्टर हाथी को बुलाने की नौबत आ गई है। अब क्या करेंगे डॉक्टर हाथी, कोई ना कोई इलाज तो जरूर करेंगे, पर जेठालाल की परेशानियों का कोई क्या करे, साय की तरह साथ में चलती है। अब देखिए ना, इतनी सी चीज लेकिन कितनी बड़ी परेशानी बन गई।
मुझे लगता है डॉक्टर हाथी कोई ना कोई आइडिया जरूर निकालेंगे, उनका आइडिया काम करना चाहिए, लेकिन आगे क्या होता है ये तो आपको सोमवार को ही पता चलेगा। ये जो चिपका हुआ पांव है चाचा जी का, वो उखड़ेगा या नहीं उखड़ेगा, डॉक्टर हाथी का आइडिया क्या होगा। भाई तमाम टेढ़ी मेढ़ी चीजें होती रहती है गोकुल धाम में, लेकिन हर टेढ़ी मेढ़ी चीज के पीछे आपके चेहरे की सीधी हंसी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.